हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो दोस्तों, हाजर हाँ तुहाडे लई पी ट्रिपल एस बी फायरमैन एग्जाम दे नाल रिलेटड वेरी इंपोर्टेंट क्लास लैके, जो कि मॉक टेस्ट क्लास रहने वाली है। इस क्लास नू कंप्लीट जरूर देखो। जेकर तुसी फायरमैन तो इलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तां भी तुसी इस क्लास नू कंप्लीट जरूर देख सकते हो, क्योंकि इस क्लास दे विच वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स रहने वाले है, जो कि हर एक पेपर दे विच तुहानू देखन नू मिल सकते हैं। तां ज़्यादा समा तुहाडा खराब नहीं करांगे, कंप्लीट क्लास जरूर देख के जायो, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। तो पहले ही क्वेश्चन के वल चलदे आं, नाल दी नाल चलदी होई क्लास दे विच तुसीं आंसर देने की कोशिश करनी है। तो क्लास के एंड दे विच कमेंट करके जरूर दस्यो कि किन्ने क्वेश्चन तुहानू इन्हां क्वेश्चनस दे विचों आउंदे सी। तां पहला क्वेश्चन देखो जी, व्याकरण के किन्ने भाग हैगा। सीधे तौर पर आपां नूं इह पुछा गया, मुख्य तौर पर पंजाबी व्याकरण के किन्ने भाग हन। तो देखो, पंजाबी व्याकरण के आपां चार भाग मान देंगे। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया जी। ये तो यह आपां किस्मां भी देख लैने किहड़ियां किहड़ियां रहिंदियां नेगियां। सब तो पहला ध्वनि बोध मानते हैं, उस तो बाद फिर शब्द बोध आ जाता है, तो उस तो बाद फिर वाक बोध, फिर अर्थ बोध। इस तरह चार भाग आपां व्याकरण के मानते हैं। मुख्य तौर पर पंजाबी व्याकरण के ये चार भाग ने जिहड़े कि आपां ने डिस्कस किए हैं। उस तो बाद अगला क्वेश्चन देख लें, ये है जी इतिहास दे विच्चों, सिख इतिहास कह सकते हैं, मुगल इतिहास कह सकते हैं, गुरु नानक देव जी दे समकाली मुगल बादशाह कौन सीगे। तो देखो, जिदा पी ट्रिपल एस वी का क्वालीफाइंग पेपर है, उहदे विच गुरु नानक देव जी नूं मैनशन किया होया सिलेबस के, कह सकते हैं कि सीधा उत्थों भी यह क्वेश्चन बन सकता है। तो जिहड़ा तुहाडा जनरल अवेयरनैस वाला पार्ट है मेन पेपर के, उत्थे भी तुहानूं यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उहदे विच भी हिस्टरी का टॉपिक बनता है। हुण देखो जी, गुरु नानक देव जी दे समकाली मुगल बादशाह जेकर देखा जाए तो वह सीगे बाबर। ऑप्शन बी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यह है जी संविधान दे विचों, भारतीय जिहड़ा संविधान हैगा उहदे विच सूचियां दी वंड कीती गई है। ठीक है, संविधान दीआं सूचियां दे तहत संघ अते राज्यां दीआं शक्तियां दी वंड किस अनुसूची दे विच कीती गई है। तां देखो जी, किहड़ी अनुसूची दे विच पावरस नूं वंडिया, पावर वंडिया हुई ने, जिदा कि यूनियन का कुछ विषय आ, कुछ स्टेट के विषय है कि किहड़ा काम हैगा जिहड़ा वो स्टेट के हक के आउंदा, यानी कि उसनों स्टेट चला सकदा है, ते किहड़ियां चीज़ां केंद्र सरकार नूं सौंपियां हुई ने कि इत्थे सिर्फ तो सिर्फ केंद्र काम करेगा। जिदा कि आपां देखते हैं कि हुण एजुकेशन हो गई, वो पहला स्टेट के आता सी, हुण स्टेट है कि जिहड़ी अपना एजुकेशन है जिहड़ी वो सेंटर के हाथ के भी है, तो अपना स्टेट के हाथ के भी है। तो इदा ही कुछ होर विषय जिदा पुलिस का महकमा है वह स्टेट के आंदा, जो फौज का आंदा है वह सेंटर के हाथ के आंदा। इदा पावर की वंड की हुई है कि पावर स्टेट नूं दित्ती गई है ते केड़ी सेंटर नूं दित्ती गई है, ते कुछ इदां दीआं चीज़ां ने जिहड़ियां दे उत्ते दोनों सरकारां काम कर सकदियां ने, संघ भी कर सकदा है ते अपना सरकार जिहड़ी सूबे दी हुंदी है वह भी काम कर सकदा है। तो तीन सूचियां बनियां होईयां ने, एक तो यूनियन दी है, तो दूजी हैगी स्टेट दी, ते एक हैगी जिहड़ी फिर वह है जी अपनी संवर्ती सूची। तीन सूचियां इस तरह बनिया हुई ने, किहड़े अपना अनुसूची दे विच आउंदी हैगी, इह सत्तवीं अनुसूची दे विच इस नूं आपां देख देंगे। ठीक है जी, सैवनथ शड्यूल है जिहड़ा उहदे विच आपां इसनूं काउंट करते हैं, सत्तवीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी आपां, चौथा व्याकरण के विचों, पंजाबी दे विच लगाखर किन्ने ने। लगाखर पंजाबी दे विच तीन अक्षर है, बिंदी, टिप्पी ते अदक, जिहड़ियां इह तीन मात्रावां कह सकते हैं, जां लगां, ये लगां हुंदा है ते इक लगां मात्रा हुंदी है। लगां ते लगाखर, इहनां दे विच फर्क ये हैगा, जिहड़ी तां लगां हुंदी है वह अक्षर दे उत्ते लगती है, कोई भी आपां अक्षर पाउंदे आ, जिद्दां कि इत्थे इत्थे पाया होया आपणे किन्ने, इत्थे लिखता किन्ने। ठीक है जी, इदां हुण देखो, जिहड़ा तां सिहारी है ये तो लगता है जी अपना अक्षर देख के कि कक्के दे नाल जां किहड़ी मतलब कि धुनी दे नाल किहड़ा की लगेगा। हुण जिहड़ा इत्थे आ गया जी अपना टिप्पी, वह लगेगा सिहारी नूं देख के कि यह सिहारी दे नाल लगता है जां नहीं लगता। इदां इक लगां हुंदी है ते इक लगाखर हुंदा है। वैसे आपणे जिहड़ा क्वालीफाइंग पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई उहदे विच कंप्लीट ग्रामर की हुई है, उत्थे जाके तुसीं देख सकते हो। इत्थे लगाखर पुछे सीगे पंजाबी दे तीन है, स्वर अक्षर पुछे जाण वह भी तीन है, जेकर तुहाडे तो दुत अक्षर पुछे जाण वह भी तीन है। तो कई चीज़ां इदां हैगा कि वह सिमिलरी चलते हैं कि उन्हां दी गिनती इन्नी कि आ। अगे चलते हैं जी आपां पंजवें क्वेश्चन के उत्ते, गीता सियाणी कुड़ी है, एक वाक दिता हुआ है कि गीता सियाणी कुड़ी है।
इस वाक दे विच सियाणी शब्द की हैगा जिहड़ा ये सियाणी वरत्या ना वह की चीज़ हैगी वह है जी विशेषण एक विशेषता दसदा हैगा उस कुड़ी की कि वह सियाणी कुड़ी है गीता। ठीक है ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया जी इसका विशेषण सीगा। यह अगला क्वेश्चन हैगा छेवां 6 to 14 साल के जिहड़े बच्चे आ उन्होंने मुफ्त अते लाजमी सिक्ख्या का अधिकार दिता गया सिक्ख्या। ठीक है जी सिक्ख्या का अधिकार दिता गया जिन्हों कि आपां राइट टू एजुकेशन कह दें तो यह किस आर्टिकल के तहत दिता गया किस आर्टिकल दे विच आउंदा है आर्टिकल 21 दे विच आउंदा है जी। यह तो यह आप देखते हैं कि जिहड़ी अमेंडमेंट होंगी है 86वीं सोध वो तहत इसनों जोड़ा जाता है भारतीय संविधान के ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो गया 6 to 14 साल के जिहड़े बच्चे है उन्होंने फ्री एजुकेशन का इत्थे सिद्धांत दिता गया कि उन्होंने एक अधिकार दिता गया कि उन्होंने फ्री एजुकेशन दी जाएगी तो कंपलसरी भी है तो यह दिती भी जानी चाहिए है तो उस तो बाद जो आप मौलिक कर्तव्य देखते हैं जिहड़ा कि 4A भाग के आंदा 51A आर्टिकल वो भी इस तरह का एक गलबात कही गई है कि 6 to 14 साल के बच्चों एजुकेशन देनी है पर उत्थे की कहा गया कि उत्थे पेरेंट्स की ड्यूटी लगा दी गई है कि बच्चों एजुकेशन देनी ही देनी है तो उहदे पेरेंट्स जिम्मेवार होणगे जेकर उह हक बच्चे तो खोंदे आ उह इक कर्तव्य बना दिता गया पेरेंट्स दे लई एक ड्यूटी लगा दित्ती गई पर इत्थे अधिकारां दे विच आउंदा है तां इह बच्चां दा अधिकार बना दित्ता इस चीज़ नूं तां उह भी 86वीं सोध दे विच होया ते इह भी 86वीं सोध दे विच ऐड किया गया। तो अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं जी आपां इह है जी पड़नाम दे विचों पुरखवाचक जिहड़ा पड़नाम आपां देखदे आ एक टाइप हैगी पड़नाम दी पुरखवाचक तो इस दे विच अगे किन्नियां टाइप्स बनिया हुई ने पुरखवाचक पड़नाम दे विच पुरखवाचक पड़नाम अगे 3 तरह का होंदा लो जी 3 वाला कंसैप्ट फिर अपना काम कर गया। हुण देखो जी पुरख 3 तरह के होंदे जिदा पहला एक बंदा गल कर रहा है कि मैं सियाणा बंदा हाँ मान लो उन्हें की वरत्या की शब्द वरत्या मैं सियाणा बंदा हाँ लो जी इत्थे वरत्या मैं फिर उन्हें जिहड़े नाल गल कर रहा सी मैं सियाणा बंदा हाँ तू भी सियाणा बंदा है तो उन्हें तू शब्द वरत्या लो जी इत्थे तू शब्द वरत्या तो उस तो बाद कोई कोल दी एक बंदा होर लंघिया जा रहा है तो उसने कहा मैं सियाणा बंदा हाँ तू भी सियाणा बंदा जिहड़े नाल गल कर रहा है कहिंदा कि वह भी सियाणा बंदा जिहड़ा कोल दी लंघिया जा रहा है तो उन्हें की शब्द वरत्या इत्थे ओह लो जी इत्थे 3 बंदे हो गए। हुण जिहड़ा इत्थे मैं साडा असी जिहड़े तो आपां इहो जिहे शब्द वरतदे आ उह तां पहला पुरख यानी कि जिहड़ा बंदा गल कर रहा हुंदा ओह हुंदा यानी कि इस दे विच उत्तम पुरख आपां कहने इस नूं। ठीक है तो यह तो हो गया जी पहला पुरख तो दूजा पुरख यह हो गया दूजे पुरख नूं आपां मध्यम पुरख भी कह दें जिहड़े दे विच तूं तुसीं तुहाडा ये चीज़ां आ जाण तां ओह हो गया जिहदे नाल गल कीती जा रही है। तीजा पुरख वह हो गया जी तीजा पुरख भी कह दें इस नूं ते जां फिर अन्य पुरख भी कह दें इहदे विच हो गया ओह उसदा। ठीक है मैं स्कूल गया सी तूं भी स्कूल गया सी ओह भी स्कूल गया सी जिहड़ा इदां 3 टाइप्स दे विच इस पुरख नूं वंडिया होएगा। ठीक है जी इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखियो। अगला क्वेश्चन यह है जी संविधान दीआं भाषावां दे नाल संबंधित अनुसूची पुछ ली पहला सीगी 7वीं जिहड़ी अनुसूची सीगी वह रिलेटड सीगी जिहड़ियां लिस्टां बणियां होईयां ने संविधान दे विच। ठीक है तो इस तों बाद फिर अगली अनुसूची हैगी जिहड़ी वह है जी भाषावां दे नाल संबंधित किहड़ी हैगी वह 8वीं अनुसूची इहदे विच संविधान दीआं जिहड़ियां आपां गल करदे हां कि 22 भाषावां नूं मानता दित्ती गई है वह 8वीं अनुसूची दे विच आउंदियां ने तां इही पुछिआ गया सीगा तां ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो गया। तो जिन्हां दोस्तों ने क्लास में अजे तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जरूर लाइक कर दिओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी 9वां हुण देखो जी पंजाब दे विच सिख धर्म के तख्त साहब किन्ने आ पंजाब दे विच किन्ने तख्त आउंदे हैगे हुण देखो जेकर तां पुछा जाए कि किन्ने तख्त है सिख धर्म के तो आपां कहांगे 5 तख्त है 5 तख्त गुरबाणी दे जां अरदास दे विच वी आपां इन्हां दा जिक्र करदे हां 5 तख्त। ठीक है पूरे अपने कह सकते हैं सिख धर्म के पूरे 5 तख्त है पर इत्थे की कहा गया पंजाब दे विच तां पंजाब दे विच किन्ने तख्त आउंदे आ पंजाब दे विच 3 लो जी 3 वाला फैक्टर फिर काम कर गया पंजाब दे विच 3 तख्त साहब आउंदे आ पहला तख्त अकाल तख्त साहब जिहड़ा कि अमृतसर दे विच है ते उस तों बाद फिर दूजा तख्त श्री दमदमा साहब जिहड़ा कि तलवंडी साबो है बठिंडा जिले दे विच ते तीजा तख्त श्री आनंदपुर साहब। ठीक है चलो सॉर्टिंग दे विच अगे पिछे तुसी कर सकते हो हुण देखो तख्त श्री केसगढ़ साहब जिहड़ा कि आनंदपुर साहब है खालसे की जन्म भूमि तो तीनों तख्त ने जिहड़े इह पंजाब दे विच आउंदे है तो उस तों बाद जिहड़े बाकी दे 2 तख्त बच गए देखो 3+2 फिर ही 5 होणगे बाकी दे जिहड़े आ 2 तख्त साहब बच गए इन्हां दे विचों एक तां हैगा पटना
तख्त श्री पटना साहब जिहड़ा पटना बिहार दे विच पैंदा है, तां इह वी तां पंजाब तों बाहर हो गया। उस तों बाद फिर पंजवां तख्त हैगा जिहड़ा उह है जी तख्त श्री हजूर साहब जिहड़ा नंदेड़ साहब है महाराष्ट्र दे विच पैंदा है। तां पंजाब तों बाहर दो तख्त हो गए। जेकर इदां पुछ लिया जावे कि पंजाब तों बाहर किन्ने आ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ PSSSB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਦਸਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ 11ਵਾਂ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਲਾ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ 12ਵਾਂ, ਠਰੰਮਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਠਰੰਮਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠਰੰਮਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਧੀਰਜ, ਠਰੰਮੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਠਰੰਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੀਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੀਰਜ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਠਰੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 13ਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 14ਵਾਂ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ, ਕੱਪੜਾ, ਤੇਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਸਤੂਵਾਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੀਪਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ। 15ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡੰਡੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੌਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਰੁਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ 15 ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, PSSSB ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪਲੇਲਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।